इंडो ऑस्ट्रेलियन ओशियानिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, एंड इट इज मूविंग नॉर्थवर्ड, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज मूविंग, दिस इज मूविंग नॉर्थवर्ड, एंड यू कैन बी एबल टू सी हियर and you can see like I said that this is which plate, understand, Indo-Australian, and when the Indo-Australian plate is going like this to ye subduct hoga, and jab subduct hoga to kahan par banega magma, this side, so yahan par magma bana, these are, getting my point, and these are the areas on the Eurasian Oceanic plate, and that become Andaman Nicobar, and that become what, Indonesian archipelago, and the deepest aur jagah bhi hai, and the deepest part is I said that this is in a Java island, or iske paas kaun sa hai, Java trench, trench kidhar banta hai, near to the Oceanic plate, so this is an island arc or near to this, which one I said that, Java trench or Java island ke paas which trench, Java trench, understood it, clear, and what we have to say that, tell me, around 40 to 50 million years ago, around, yes, क्यों है मिड ओशियानिक ग्रीस का क्या इंपॉर्टेंस है, टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिड ओशियानिक ग्रीस, वहां पे क्यों नहीं तुमने पूछा कि मिड ओशियानिक ग्रीस का क्या है, दीज आर द टोपोग्राफीज, चलो सिंपली लिसन, मिनरल्स उतने डीप में नहीं निकालने कोई जाता, एंड ओनली द सम मशीन्स कैन गो, ओनली द मशीन कैन गो, इतना प्रेशर होगा वहां पर कि देर विल बी, व्हाट आई सेड दैट ह्यूमन बींग इफ विल डाइव इन टू इट ना, देन द गैसेज विल एंटर इन टू इट, दे कैन हैवी प्रेशर ऑफ वाटर, एज मच इट विल गो इन टू द ओशन, द प्रेशर ऑफ द वाटर स्टार्टेड इंक्रीजिंग, सो आफ्टर सर्टन डेप्थ 50 और 100 मीटर यू कांट गो, आई एम टॉकिंग अबाउट यहां पर ट्रेंचेस कितने डीपर हैं, दैट इज आई सेड दैट 10,000 मीटर जितने की हाइट आपकी हिमालयस की नहीं है, दिस मच इज डीप, तो नहीं अभी वो मत जाओ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ की डेप्थ ओनली 200 मीटर होती है, वही मिनरल्स होता है, क्लियर, कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज द ओनली, तो अभी वो सब चीज जानकारी जरूरत नहीं है, आई सेड दैट यहां पे तो ट्रेंच इज नॉट इंपॉर्टेंस एज फार एज ये पूछा जाएगा, हाउ डू द ओशियानिक ट्रेंच कम इन टू एग्जिस्टेंस, क्लियर, प्लेट्यू का इंपॉर्टेंस आज तक तुमने क्या निकाला है, कुछ नहीं निकाला है, नहीं निकालते हो ना, ये ओवर द पीरियड इट इज सम टोपोग्राफी क्यों बनकर आया है, बट दे विल अफेक्ट टू सम एक्सटेंट, आई सेड दैट सपोज करो कि जापान है, थोड़ा मुझे पढ़ाने नहीं दोगे ना तो मैं ऐसी जगह पर रुका रह जाऊंगा, जापान आइलैंड बना हुआ, जापान के पास सडनली ये डीप होगा, कैन इट एक्ट एज एन वॉट नेचुरल पोर्ट दिस साइड एज वेल एज दिस साइड, इससे तो मुझे यह आइडिया हो गया, यस देर विल बी डीपर ओशंस एंड देर विल बी एन इट एक्ट एज एन वॉट, और कैसे होंगे सारे आइलैंड, कैसे होंगे टूटे फूटे होंगे, वोल्केनिक आइलैंड बने हुए, यहां पे फिशरीज भी बहुत अच्छे से करेंगे लोग, जापान इज वन ऑफ द, तो जब आइलैंड को पढ़ते हैं तब उतने अंदर जाकर तो हमें ओवर द पीरियड, क्योंकि वहां पे इकोसिस्टम भी है, नो लाइफ इज एग्जिस्टिंग, एंड लाइफ कहां एग्जिस्ट करता है, कहां एग्जिस्ट करेगा, थोड़ा सा मैंने जो जहां पे दिस ट्रेंच इज गोइंग अवे ना, वहां पे थोड़ा सा जहां पे मैग्मा निकलेगा, हीट होगी, देयर विल बी लाइफ, और ये जो मैग्मा निकल रहा है, दे कीप ऑन व्हाट इज नॉट कमिंग एंड देन सॉलिडिफाइंग एंड देन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अप, सो सिंपल दैट हमें एक आइडिया हो जाता है कि दिस कैन बी यूटिलाइज फॉर विच पर्पस, लेकिन वो जब मैं पढ़ाता ना इकोनॉमिक ज्योग्राफी इन योर वर्ल्ड जापान, दैट टाइम मैं वहां बोलता है कि देर विल बी इन अ डीपर, ये सब यहां तो नहीं बताऊंगा, यहां पर बताऊंगा क्यों बना कैसे बना, अंडरस्टूड इट, दैट थिंग यू कैन बी एबल टू लर्न, जो आपके लिए जरूरी है दैट विल श्योर टोल्ड यू, ध्यान में रखिएगा,
Perhaps you are knowing, not knowing that nobody is teaching you volcanic island form. कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं बता रहा. None of the institution is teaching you that this is an oceanic convergence is able to give you what? This kind of formation. And UPSC has asked. This question has been asked. In the Southeast Asia, why there is a large number of islands? UPSC has asked. And एक भी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट हैज नॉट बीन एबल टू डू. और आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे? वहां पे 3 paragraphs लिखते हैं आप. एक बोलते पैसिफिक ओशन का, फिर अभी मैंने जो बताना है 3 plates वाला, एक बताते इंडो ऑस्ट्रेलियन और ये यूरेशियन. दिस साउथ ईस्ट एशिया हैज देयरफॉर लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. और हु इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड इट? हु इज हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड? सिंपल. और इस यदि ओशन करंट मूव करेगा तो इसको रोकेगा कि नहीं? ये नाउ द ओशन करंट विल मूव लाइक दिस. सो दिस टोपोग्राफी हेल्प्स इन व्हाट? मॉडिफाइंग द ओशन करंट डायरेक्शन. तो ये बाद में इंपॉर्टेंस आएगा जब व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट ओशनोग्राफी. ट्रेंच का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? ओनली दे विल आस्क हाउ डू द ट्रेंच इज गोइंग टू बी अंडर द फॉर्मेशन. इज इट ओके? सो आई सेड दैट इंडियन ऑस्ट्रेलियन ओशियानिक प्लेट इज व्हाट? मूविंग westward. So I have shown you it is moving what? So I said that Indo-Australian oceanic plate is moving northward and being denser. ये denser है ना? Being denser, कन्वर्जिंग विथ, किसके साथ कन्वर्ज कर रहा है? स्टेल में यूरेशियन ओशियानिक प्लेट, यूरेशियन कन्वर्जिंग विथ यूरेशियन ओशियानिक प्लेट एंड नाउ आई सेड दैट सेकेंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ओशियानिक प्लेट is what I said that denser than Eurasian oceanic plate. Therefore Indo-Australian oceanic plate subduct below Eurasian oceanic plate, subduct below. एंड उसके बाद क्या होगा? ड्यूरिंग सबडक्शन व्हाट हैपेंड? फ्रिक्शन. नेक्स्ट सारे पॉइंट वही लिख देना. फ्रिक्शन, एडिशन ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ प्रेशर लिड टू द फॉर्मेशन ऑफ विच मैग्मा? ग्रेनाइटिक प्लस एंडेसाइटिक मैग्मा एंड दैट कॉजेज एक्सप्लोजिव वोल्केनिक इरप्शन. ये पॉइंट लिखा. फिर हमने बोला सच रेगुलर वोल्केनिक इरप्शन. Slowly and slowly, island keeps coming up above the ocean, and that become volcanic island arc. And parallel to volcanic island arc, so which volcanic island arc? Andaman and Nicobar. And then which one I said that? Tell me. Andaman, Nicobar island arc, and then Indonesian archipelago. It is also in the arc. And then parallel to this, there is an what? Java torch. Understood it? Same thing I have mentioned. Thereafter, it is the reason of what? Explosive volcanic eruption. And the reason of what? Shallow, intermediate and deep focused earthquake. Samajh mein aagaya? UPSC can ask, discuss the formation of, pehle puchega, what is oceanic convergence? And discuss the formation of Andaman and Nicobar Island group. So Andaman Nicobar kiske through bana hai? Volcanic island arc. Yes or not? And when I was teaching earlier, Lakshadweep has been formed by what? Hotspot. Yaad hai na? That is also volcanic island but submerged. Aur usi ke upar coral has been grown. Yes or not? जब इंडियन गोंडवाना प्लेट इज मूविंग ओवर द रीयूनियन हॉटस्पॉट,
स्लोली एंड स्लोली इट हैज क्रॉस्ड एंड देन इन द ओशन स्टार्टेड कमिंग अप. याद है ना, नन ऑफ द बुक्स इज मेंशनिंग. तो मैं कुछ बोलूं और कुछ क्वेश्चंस बोलूं ना, वेन एवर लिसन मी केयरफुली इफ यू वांट टू मेक इट, वेन एवर आई से सम क्वेश्चन राइट डाउन दोस क्वेश्चन फास्ट. आप लोग लिखते ही नहीं हो, क्यों सुनते रहते हो. और मैं क्या होगा जब एग्जाम होगा तो मैं बोलूंगा मैं कहता था, यू रिमेंबर. तो जितने भी मैंने 5-6 क्वेश्चन बोलते रहता हूं, यू नेवर लिसन, राइट डाउन एंड शो मी द राइटिंग आंसर. इज इट क्लियर? सो विच क्वेश्चन आई हैव सेड दैट, व्हाट इज ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस, व्हाट इज ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस एंड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स. ग्रुप्स क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैज लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. एक्सप्लेन इट. क्या अब मुझे बताओ, सभी जगह सेम फिगर मुझे ड्रॉ करना है. टेल मी हाउ डू द कैरिबियन. नेक्स्ट वन आई सेड दैट कैरिबियन आइलैंड आर्क. एंड पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको एंड आई सेड केमैन ट्रेंच. एंड पैरेलल टू दिस विच ट्रेंच आई सेड दैट केमैन ट्रेंच. टेल मी हाउ इट हैज बीन फॉर्म. यस एक्सप्लेन करो. यस टेल मी क्या कौन कौन से हो रहे हैं. Yes, North Pacific plate and Caribbean plate. Who is denser? North American plate. I said that this is North American plate. Clear? और कल जाते जाते भी ये समझाया था, North American is denser. अरे किस पे बन रहा है ये? Island इस पे बन रहा है ना? Islands are forming on this. तो आपने देखा होगा कि जो लेस डेंसर होता है द प्लेट विच इज व्हाट आई सेड दैट उस पर बनता है. यस आर नॉट नियर बाय दैट. तो ये जब व्हेन इट इज एन सबडक्टिंग बिलो देन देर विल बी व्हाट कमिंग ऑफ इट. तो यहां पे विच प्लेट इज कमिंग टेल मी. यस नॉर्थ अमेरिकन. वेरी गुड. अब एक बार समझ में आ गया, यू कैन बी एबल टू से. मैं बिना मतलब का लिखवा रहा हूं जस्ट सो दैट यू बिकम हैबिचुअल ऑफ इट. कि व्हाट आई एम सेइंग, नॉर्थ अमेरिकन ओशियानिक प्लेट इज सबडक्टिंग बिलो, मूविंग वेस्टवर्ड, सबडक्टिंग बिलो विच प्लेट कैरिबियन ओशियानिक प्लेट. और ये क्या है साउथ अमेरिकन. विच प्लेट इज दिस, उसके साथ ये अटैच्ड है. अंडरस्टूड? एंड आई सेड दैट व्हेन इट इज मूविंग एंड देन सबडक्टिंग बिलो लेस कैरिबियन ओशियानिक प्लेट. उसके बाद क्या बोलोगे? यस. एंड हाउ मेनी इयर्स अगो? सभी के लिए बोलना है 40 to 50. एवरी ओशियानिक कन्वर्जेंस हाउ मेनी इयर्स? 40 to 50. केवल जापान को बोलना 50-60. इसलिए जापान में मैंने 50 लिखवाया था, क्योंकि जो जितना आइलैंड ऊपर आ जाएगा दैट इज एन टेकिंग मोर इयर्स टू कम. अंडरस्टूड इट?
I said, and there is a formation of Jamaica, Haiti, Cuba, several island group has been formed. Yes. And this side is Caribbean Sea. And there is a Caribbean island group of, I said that what? Caribbean islands group of what? And there is a North American subducting and islands, Jamaica, jo West Indies mein sare island hai, West Indies and other countries nearby this. Understood it? And parallel to this, which stretch? And kai men pitte hain ki nahi pitte hain? Kai men pituriko. और पिटने के बाद रुक जाते हैं रोमांस करना. एक रोमांस रेंच भी होता है. तुम लोग एनर्जी नहीं दिखाओगे तो मैं बहुत नहीं बताऊंगा. कैमेन प्यूटोरिको ट्रेंच. अंडरस्टूड? विच आर द ट्रेंच पैरेलल टू दिस?